नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को 1.5 करवा रहा हूँ। 9th क्लास की है एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आपको डिटरमिनेंट लेना सिखाऊंगा कि डिटरमिनेंट किस तरह लिया जाता है। ये अक्सर 2 नंबर का भी सवाल आ जाता है कि फाइंड द डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.5 का है, 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और डिटरमिनेंट आप किसी भी क्लास का आप लेना चाह रहे हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है एनी थिंग, अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप इसमें से इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं किस तरह डिटरमिनेंट निकाला जाता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं जो दिया हुआ है नाइन्थ। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उन लोगों ने, इसके अंदर डिटरमिनेंट लेने का तरीका बस पूछना है कि किस तरह डिटरमिनेंट लिया जाएगा, यानी कि -1 दी गई वैल्यू, 1 दी गई और 2 और 0 दी गई है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने का ये तरीका, जो पहली फर्स्ट रकम है इसको मल्टीपल करेंगे इस 0 के साथ, पहली फर्स्ट रकम इसके साथ करेंगे और सेकेंड वाली रकम को हम उसके साथ करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। पहली माइनस को हम 0 से करेंगे और आगे वाली सेकेंड रकम को हम 2 से करेंगे और माइनस का फार्मूले का माइनस लगाएंगे। चलो मैं शुरू करके दिखाता हूँ। हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का हमें साइन डालना सबसे पहले, ये जो साइड में 2 लाइनें लगाएंगी ये डिटरमिनेंट के साइन की निशानी है, इसे डिटरमिनेंट कहते हैं। और इसको हम -1 लिखेंगे और आगे हम करेंगे 0, फिर उसके बाद माइनस का फार्मूले का लगेगा, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला 0 मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बीच माइनस का लग गया, देन आगे 1, ये ऊपर वाला 1 लग गया और साथ में 2 है, और यानी कि 2 इसके साथ लिख देंगे, टोटल 4 रकम हो जाएंगे। इन दोनों का हमने लिख लिया, ब्रैकेटों में जरूर लिखना चाहिए क्योंकि माइनस प्लस की अक्सर जो गलती होती है वो ब्रैकेट को दूर करेंगे तो फिर होगी, ऐसे नहीं होगी, और माइनस बीच में लिख देंगे और 2 और 1 को मल्टीपल कर देंगे। देन आगे देखिए एडजॉइंट ए लेंगे, -1 को हम 0 से मल्टीपल करें, यानी कि इस -1 को 0 से मल्टीपल करने से आंसर आएगा 0 आएगा, -1 का -1 लग जाएगा और 2 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 को मल्टीपल कर 2 आ गया, उसके बाद आंसर जो हमारे पास अब आगे आ जाएगा, उसके बाद आगे आएगा आंसर 0 और 2 करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 ब्रैकेटों को मैंने यहाँ पे खोल दिए, दोनों इस तरह की ब्रैकेट से ब्रैकेट खोल दिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट इक्वल टू -2, एडजॉइंट इक्वल टू -2 हमारे पास आंसर आ चुका है। पहला ये होता है डिटरमिनेंट लेने का तरीका। यहाँ से आप दो फिर दोबारा रिपीट देख सकते हैं कि किस तरह मैंने किया इन सबको, ये फार्मूला डिटरमिनेंट लेने का। और अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उम्मीद है कि आप उसमें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी है 1.5 का, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर पार्ट 2 है, बी वैल्यू दी दी, अब बी की हमें बी का हमें डिटरमिनेंट लेना है, यानी कि अब यहाँ पर यह गलती नहीं करी, अगर ए का डिटरमिनेंट रकम बीच में ए की आएगी, अगर बी का डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो रकम बी की बीच आएगी, सी की या की ई की रकम नहीं आएगी, जिसका डिटरमिनेंट लेंगे उसी की रकम बीच डाली जाएगी। आगे देखें वही हमने तरीका क्या करना, पहली फर्स्ट वाली को हमने नीचे वाली सेकंड के साथ मल्टीपल करना, सेकंड वाली को फर्स्ट के साथ मल्टीपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को -2 से मल्टीपल करना, 3 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, -1 लिख लिया मल्टीपल और -2 के साथ, बीच में ये माइनस का फार्मूला, ये बीच माइनस का फार्मूला और आगे 3 मल्टीपल 2 के साथ हो रहा है। तो हमारे पास जो नीचे आप देखें डिटरमिनेंट लेंगे, 1 को 2 के साथ -2 आ जाएगा, माइनस का लगेगा, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, -2 बाई और -6 वो आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस को दोनों को करें तो माइनस की अलामत आएगी, -8 आएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये माइनस प्लस की अक्सर समझ नहीं आती कि माइनस माइनस प्लस होता है कि माइनस 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 होता है, इसके लिए मैंने एक खास वीडियो बना रखी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर चेक करके देख सकते हैं कि उसमें किस तरह उसको सोल्व किया हुआ, मैंने एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा रखा हुआ कि माइनस माइनस प्लस और किस तरह होता है ये सारा कुछ, उसमें मल्टीपल एडिशन का मैंने नाम दिया, लिंक का नाम है मल्टीपल एडिशन एंड रूल है, वो मल्टीपल एंड एडिशन का रूल है, उसको चेक कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर सी है, सी के अंदर जो मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी है, इसके अंदर भी वही वैल्यू हमने, इसके अंदर वही हमने निकालना है, यानी कि इसका हमने निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका वही है, फर्स्ट वाली को हमने नीचे वाली की सेकेंड रकम से मल्टीपाई करना है, ऊपर वाली सेकेंड रकम को नीचे वाली फर्स्ट के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, 3 को इसके साथ। अब देखें किस तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एडजॉइंट सी लिखेंगे, एडजॉइंट सी लिखेंगे इक्वल टू 3 आ जाएगा, आगे मल्टीपल 2 से करेंगे माइनस आ जाएगा, 2 का मल्टीपल हम करेंगे 3 के साथ और नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर एक बार लिखेंगे 2 का करेंगे 6 के साथ, -2 लिखेंगे और 2 का करेंगे 6 के साथ, अब दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0, -6 में 6 लिखेंगे तो ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, ब्रैकेट खत्म करने के बाद फिर हम इसको आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम आखिरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं जो कि डी की एग्जाम्पल है,
एडजाइन, इसके बाद एडजाइन डी लेंगे। डी एडजाइन लेने के बाद थ्री मल्टीप्लीकेशन फोर के साथ हो रहा है, थ्री को मल्टीपल हम कर रहे हैं फोर के साथ, थ्री को मल्टीपल फोर से किया, आगे माइनस फार्मूले का लगा, टू को मल्टीपल वन से करेंगे। ये आपको समझ आ गई, डिटर्मिनेंट डी ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट हम डी ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए टू पे फोर मल्टीपल, अगर टू को आगे माइनस के साथ किया तो टू आ गया। आगे देखिए इनको तो ब्रैकेट में बगैर लिख देंगे, माइनस ट्वेल्व इसमें करेंगे तो आंसर हमारे पास टेन आ जाएगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि ये हमारा अपना ये कम्प्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।